राजस्थान में 4 अप्रैल को हुए देवा गुर्जर हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्त जारी है। 7 आरोपियों को सोमवार को SIT ने गिरफ्तार किया। हिस्ट्री शीटर देवा गुर्जर उर्फ देवा डॉन की हत्या के आरोप में अब तक पुलिस और SIT संयुक्त रूप से 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इससे पहले गिरफ्तार 9 आरोपी 13 अप्रैल तक रिमांड पर हैं। SIT के जांच अधिकारी और कोटा जिला ग्रामीण पुलिस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारस जैन ने सोमवार को गिरफ्तार किए गए 7 आरोपियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सोमवार को पकड़े गए 7 बदमाशों को जंगलों में दबिश देकर पकड़ा गया है। ये बदमाश कोटा और चित्तौड़ जिले के रावत भाटा क्षेत्र के जंगलों में छिपे हुए थे। प्रेम सागर गुर्जर निवासी सारणखेड़ी, बालचंद गुर्जर निवासी दरा, अर्जुन गुर्जर निवासी सालेडा कला, कल्याण अहिर निवासी सारणखेड़ी, ये सभी कोटा जिले के मूल निवासी हैं। शांतिलाल जाट निवासी मोहनपुरा, सांवरा गुर्जर निवासी गांव धुआंधौक और रमेश चंद उर्फ बिरधि चंद गुर्जर निवासी रेनखेड़ा, ये बदमाश चित्तौड़ जिले के हैं। शेष 6 आरोपियों की तलाश अभी जारी है। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस और SIT की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। इसके लिए कोटा के दर्रा और इससे सटे मध्य प्रदेश के घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 26 मार्च को देवा गुर्जर की ओर से कोटा जिले के RK पुरम थाने में दी गई रिपोर्ट के मुताबिक उसे हत्या की धमकी मिल रही थी। बदमाशों ने उसे रावत भाटा प्लांट में ठेका नहीं लेने को लेकर जान से मारने की धमकी दी थी। इसी बात को लेकर 23 मार्च को बदमाशों ने उसे फोन कॉल पर धमकाया था। इसके बाद 4 अप्रैल को देवा गुर्जर की हत्या कर दी गई थी। राजस्थान में कोटा के बोराबास गांव के रहने वाले देवा गुर्जर उर्फ देवा डॉन की हत्या को लेकर अब कई बातें सामने आई हैं। इसे गैंगवॉर से जोड़कर भी देखा जा रहा है। वहीं देवा के भाई अमरलाल का आरोप है कि उसकी हत्या 5 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले बदमाश बाबू गुर्जर ने की है। बाबू के साथ परसराम, शिवपाल, शिवपाल के भाई बाबूलाल, भैरू गुर्जर, बंशी बंजारा, बबलू जाट, कालू, चैन सुखराम और गोपाल भी शामिल थे। देवा गुर्जर ने 8-10 गाड़ियां रावत भाटा के प्लांट में लगा रखी थीं। वहां से उसे अच्छी कमाई होती थी। इसी कमाई की वजह से देवा और उसके दोस्तों में अनबन हो गई और उसके दोस्त ने ही कुछ लोगों के साथ मिलकर उसका रावत भाटा के एक सैलून में मर्डर कर दिया। 4 अप्रैल 2022 को देवा पर बदमाशों ने पूरी निगरानी रखी। देवा रावत भाटा गया हुआ था। गाड़ी में कुछ खराबी थी तो मैकेनिक को गाड़ी देकर वो एक सैलून में शेविंग करवाने गया था। तभी हथियारों से लैस बदमाशों ने देवा पर ताबड़तोड़ वार किए जिससे उसकी मौत हो गई। देवा के गांव के लोगों का कहना है कि उसके मर्डर में शामिल बाबू गुर्जर को देवा ने नौकरी पर रखा था। देवा के काम धंधे की देखरेख और पैसे का लेन देन बाबू ही करता था, लेकिन देवा को पता नहीं था कि उसके लिए बाबू ही काल बन जाएगा।